हे गाइस, तो मैं हूँ पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट। तो फटाफट से शुरू करते हैं कि कौन सी होती है हमारी आइडियल गैसेस और कौन सी होती है हमारी नॉन आइडियल गैसेस। तो देखो, आइडियल गैसेस क्या होती हैं? आइडियल गैसेस हमारी वो गैसेस होती हैं जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे हर एक टेम्परेचर पर, प्रेशर पर। यानी कि आइडियल गैसेस आपकी ऐसी हैं कि एक अच्छा बच्चा है कि जो आपको जैसे भी कहो वो मान लेता है, ठीक है। अब आज के टाइम पे ऐसा कोई अच्छा बच्चा तो होता नहीं है, तो असलियत में आइडियल गैस कोई होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में? आइडियल गैस इक्वेशन है PV is equal to nRT। तो जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं PV is equal to nRT, ये क्या होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, PV is equal to nRT। अब ऐसी तो कोई गैस है नहीं कि जो आइडियल गैस होती हो। तो अब क्या होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती नहीं है, मतलब इक्वेशन तो होती है लेकिन गैस ऐसी कोई नहीं होती। तो हम बात करेंगे नॉन आइडियल गैसेस या फिर रियल गैसेस, ठीक है। अब हमें बात करनी है नॉन आइडियल गैसेस की। लेकिन नॉन आइडियल गैसेस के लिए भी जो इक्वेशन होती है, जो कौन सी इक्वेशन होती है, जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं लिख दूंगी। तो नॉन आइडियल गैसेस को क्या कहा जाता है, रियल गैसेस बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि असलियत में जो गैसेस हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करती हैं वो होती हैं रियल गैसेस। अब देखो हम क्या करें, अगर मैं PV को nRT से डिवाइड कर दूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, Z के बराबर। और Z क्या होता है आपका, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर कोई गैस आपके पास में कैसी हो, अगर कोई गैस आइडियल गैस होगी तो उसके लिए इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। यानी अगर कोई गैसेस आइडियल बिहेव करेगी तो उसके अंदर Z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 1 आ जाएगी। आगे हम बात करें तो अगर कोई नॉन आइडियल गैस है तो उसके लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, यानी कि जो आपका Z होता है, उसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 आएगी या फिर लेस देन 1 आएगी। तो जो गैस आपकी पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगी, पॉजिटिव का मतलब वैल्यू ज्यादा आएगी, तो जो गैस आपकी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी उसके अंदर इस PV की वैल्यू nRT से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि बराबर कब होती है आइडियल गैस के अंदर और ज्यादा कब होती है आपके पास में नॉन आइडियल गैस के अंदर, ठीक है। तो नॉन आइडियल गैसेस के अंदर क्या हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उस गैस को कंप्रेसिबल करना, यानी उस गैस को कंप्रेस करना, यानी लिक्विफाई करना हो जाएगा बहुत ज्यादा मुश्किल। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस को लिक्विफाई करके डाला होता है, तो उन गैसेस को हम इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते जिनके अंदर इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यानी अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि कौन सी गैस आप लोगे जिसको आप क्या कर सको, लिक्विफाई कर सको, तो उस गैस को लेंगे जिसकी आपके पास में Z की वैल्यू लेस देन 1 हो। पॉजिटिव डेविएशन वाली गैस हमें नहीं लेनी होती। नेक्स्ट बनता है, अब पॉजिटिव डेविएशन वाली गैस का एग्जांपल पूछ लिया तो वो एग्जांपल होता है हाइड्रोजन गैस। कभी देखिए हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई होती हुई, इतनी आसानी से नहीं होती, मतलब कि हो तो जाती है मतलब इतनी आसानी से नहीं होती। अगर आपके पास में नॉन आइडियल गैसेस के अंदर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, Z की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 है, तो वो गैस क्या शो करेगी आपकी, नेगेटिव डेविएशन को। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया 1 से भी कम। अब उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पहले ही कम है तो हम आसानी से उसको कंप्रेस कर लेंगे, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब है जितना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब उतने ज्यादा उसके भाव, वो जल्दी से कंप्रेस नहीं होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा वैल्यू कम उतनी आसानी से हम उसे कंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि जो इंसान शरीफ सा है उसको तो आप जल्दी से कंट्रोल कर सकते हो, जो ऑलरेडी शैतान सा है उसको नहीं कंट्रोल कर सकते ना, तो ऐसे ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है।
ठीक है, आगे आ जाता है कि इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में क्या फर्क पड़ेगा, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपका टेम्परेचर के साथ में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अब देखो, आपके पास में कोई गैस थी, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बहुत सारे, और वो मॉलिक्यूल्स इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं, मतलब कोलाइड करते रहते हैं आपके पास कंटेनर की वॉल्स के साथ में। तो अगर आप टेम्परेचर को और बढ़ा दोगे तो उन्हें और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो मतलब और तेजी से इधर उधर भागेंगे, और तेजी से भागेंगे तो दीवारों के साथ में कोलाइड करेंगे, किसकी, जिस कंटेनर के अंदर वो गैस भरी होगी, और कोलाइड करेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो पीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर बढ़ गई तो जेड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, यानी उस गैस को कंप्रेस करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक तो शैतान बच्चा था, ऊपर से टीचर भी क्लास से बाहर चली गई तो और भी शैतानी करेगा। यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो जेड की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, आगे देखो, अब हमारे पास में एक मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ है, बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, अब टीचर क्लास में थी नहीं, ठीक है, लेकिन एकदम से प्रिंसिपल आ गया, तो थोड़ी देर के लिए बच्चों उस प्रिंसिपल में से वो गेट के बाहर से जा रहा हो, यानी दरवाजे के बाहर से चुपचाप बैठ जाएंगे। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी गैस कैसे बिहेव करेगी, आइडियली बिहेव करेगी। ठीक है, तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच अ गैस बिहेव्स आइडियली ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर वो गैस क्या करेगी, आइडियली बिहेव करेगी, और उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, अब बॉयल्स टेम्परेचर, जैसे अगर मैं गैस का बात करूं, कई बार नाइट्रोजन का पूछ लिया जाता है, तो नाइट्रोजन का बॉयल्स टेम्परेचर होता है 323 केल्विन। ठीक है, तो यानी जो नाइट्रोजन गैस थी तो आइडियल थी नहीं, लेकिन उस प्रिंसिपल को देखकर वो क्या हो गई, शराफत से बिहेव करेगी, यानी वो आइडियली बिहेव करेगी, कौन से टेम्परेचर पर, 323 केल्विन टेम्परेचर पर, और वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा आपका, बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पर किसी गैस को लिक्विफाई करा जा सके, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर तक, मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर तक आप किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा प्रेशर हुआ, मतलब उस टेम्परेचर से ज्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आप कितना भी प्रेशर लगा लो वो गैस लिक्विफाई तो होगी नहीं भाई। ठीक, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर अबोव विच, द टेम्परेचर अबोव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर, बॉयल्स टेम्परेचर नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, आप कितना भी प्रेशर लगा लो। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर तो मैंने टेम्परेचर बताया, अब क्रिटिकल प्रेशर भाई साहब भी तो आएंगे। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, वो टेम्परेचर जो आपको चाहिए होता है। मैंने बोला ना कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस तक आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो वो प्रेशर जो उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल प्रेशर, यानी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी जिस, वो कौन सा टेम्परेचर होगा, यानी वो कौन सा प्रेशर होगा जो आपको चाहिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करने के लिए, वो क्या क्रिटिकल प्रेशर। अब आता है क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसको हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिकल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो आपकी मिलती है कब, जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर हो और उसका क्रिटिकल प्रेशर हो। यानी क्रिटिकल प्रेशर पर जो गैस की वॉल्यूम होती है, या क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो गैस की वॉल्यूम होती है, वो क्या कहलाती है, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देख दिया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बॉयल्स टेम्परेचर हमने देखा, और क्या देखा, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर। अब एक होती है नॉन आइडियल गैस की इक्वेशन, अब उस वाली इक्वेशन को हम इस वाली वीडियो के अंदर नहीं, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि उससे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे और उसको हम सेपरेटली ही कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।